छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सोमवार को नक्सलीवादियों के हमले में सीआरपीएफ के शहीद हुए 25 जवानों को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने नाल गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद रहे। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि यह हमला सोची समझी हत्या है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ की चल रही कार्रवाई नाल वामपंथी उग्रवादियों में बुकलाहट का नतीजा है सुकमा हमला, पर जवानों के बलिदान व्यर्थ नहीं जान देंगे। जानकारी मुताबिक हुन भी सीआरपीएफ के कंपनी कमांडर समेत 6 जवान लापता ने। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत देश की सब तो वड्डी हस्तियों ते लोगों ने दुख प्रगटाया। मोदी ने ट्वीट करके कहा कि सीआरपीएफ जवानों की बहादुरी से सानू माण है, उन्होंने बलिदान व्यर्थ नहीं जान देंगे। उत्ते कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी और प्रधान राहुल गांधी ने जवानों के शहीद होने पर दुख प्रकट किया है। जिक्र खास है कि सुकमा जिले के पिंड बुरकापाल के नेड़े जंगल में कार लगाए बैठे 300 नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया।